और खबर ये भी है कि शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। अदालत ने आइंदा समाअत पर बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल के लिए वकला को तलब कर लिया है। इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर के स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत हुई। तो शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई, जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई 24 जून तक मुलतवी करते हुए सलमान शहबाज की बरीयत की दरख्वास्तों पर वकला को दलाइल देने की हिदायत कर दी। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर भी अदालत में पेश हुए तो अदालत की जानिब से यह इस्तफसार किया गया कि इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन किस ऑफिसर ने की थी। तो तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तफ्तीश की थी, मैं तफ्तीशी अफसर अली मर्दान था जो आजकल कराची में तैनात है। इस मौके पर अदालत ने कहा कि एफआईए का प्रोसिक्यूटर कहाँ है, तो तफ्तीशी अफसर ने बताया कि एफआईए का प्रोसिक्यूटर सेहत वो ठीक उनकी नहीं है, जिसकी वजह से वो आज अदालत में नहीं आ सके। अदालत ने मजीद कार्रवाई 24 जून तक मुलतवी करते हुए वकला को दलाल देने की हिदायत कर। ठीक है इस वक्त, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का।